नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है पानी का अंडरग्राउंड टैंक, सबमर्सिबल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, या आप अपनी किसी भी साइट पर कुआं बनाने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने प्लॉट में, अपनी ज़मीन में किस दिशा में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। मैंने पिछली वीडियो में आपके यहाँ धन दौलत आने के साधन कैसे बने उसके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर पूर्व का कोना। आप अपने प्लॉट के उत्तर पूर्व कोने में पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल बनाते हैं, यानी आपका प्लॉट चाहे पूर्वमुखी है या दक्षिणमुखी है या उत्तरमुखी है या पश्चिममुखी है, या आपका प्लॉट विदिशा वास्तु का है, यानी आपके प्लॉट के एक कोने में पूर्व आता है और दूसरे कोने में उत्तर आता है, यानी ईशानमुखी है या आग्नेयमुखी है या वायव्यमुखी है या नैऋत्यमुखी है। ऐसे में आपको अपने प्लॉट के अंदर पानी की व्यवस्था जमीन के अंदर कहाँ करनी चाहिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ईशान कोण। इस दिशा में पानी की व्यवस्था करने से आपको किस तरह के प्रभाव मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने में जब भी आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं या सबमर्सिबल लगाते हैं या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक, यहाँ से यदि आप डायगनल लाइन लगाते हैं तो इस डायगनल लाइन पर ना तो सबमर्सिबल का पॉइंट आना चाहिए और ना ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक टच करना चाहिए और ना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक टच करना चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। जब भी आप यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाएं या सबमर्सिबल लगाएं तो वो नॉर्थ वॉल को टच करते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी बना सकते हैं और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना सकते हैं और इसी के साथ में आप अपना सबमर्सिबल भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आप ईस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक भी बना सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी बना सकते हैं और सबमर्सिबल भी लगा सकते हैं। बस आपने इसमें खास बात जो ध्यान रखनी है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक डायगनल लाइन को टच नहीं करना चाहिए। मैं इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ। जो आपकी अपनी ईस्ट वॉल है, ईस्ट वॉल की जो भी आपकी चौड़ाई बनती है उसके तीन भाग करें, ऐसे ही जो आपकी नॉर्थ वॉल बनती है उसके भी आप लगभग बराबर बराबर तीन भाग करें। यह हमारा नॉर्थ ईस्ट का भाग बनता है, इसमें यहाँ से लेकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक और यहाँ से लेकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक इस हिस्से में आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें जो कर्ण बनता है वो कर्ण अपना इस प्रकार से ये कर्ण बनता है। इस लाइन को पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाते हुए और सबमर्सिबल लगाते हुए या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाते हुए जरूर ध्यान रखना है कि ये लाइन हमारी टच ना हो। बहुत सारी जगह एग्रीकल्चर लैंड में कुआं भी बनाया जाता है, कुआं भी आप नॉर्थ ईस्ट के भाग में बना सकते हैं। कुआं भी आपका लाइन को टच नहीं करना चाहिए। जो हमारी डायगनल लाइन आती है इससे लेफ्ट की ओर या राइट की ओर ही कुआं बनाए। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप कुआं बनाते हैं या पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं तो इसका जो टॉप का हिस्सा है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट के फर्श के लेवल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमेशा ही ज्ञान भी देती है और वंशवृद्धि भी देती है, संतान की प्राप्ति भी देती है। आपके यहाँ बच्चे शादी के लायक है और बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में पानी की व्यवस्था जमीन के अंदर करें, यानी पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाएं या सबमर्सिबल लगाएं या बोरवेल लगाएं या यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कोने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाएं। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बच्चे शादी के लायक है तो उनकी शादी समय पर हो जाएगी और शादी होने के बाद उनके यहाँ संतान भी समय पर आ जाएगी। क्या करने से, नॉर्थ ईस्ट के भाग में पानी की व्यवस्था करने से।
जो आदमी कोशिश करता है उसको कामयाबी मिल जाती है, और जो आदमी कोशिश नहीं करता है तो उस व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती। और मेरा अपना ये मानना है कि जो व्यक्ति कोशिश करता है तो उसको कामयाबी कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके यहाँ इस तरह की समस्याएँ आ रही है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। जो व्यक्ति अपने घर के ईशान कोने में पानी की व्यवस्था कर लेता है तो उस घर में रहने वालों को ज्ञान बहुत मिलता है, तजुर्बा बहुत मिलता है, और ऐसे घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ भी रहते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट के प्रति लेआउट भेजकर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी साइट का मैप भी बनवा सकते हैं। ये सभी सर्विस हमारी पेड रहेगी, चार्जेबल रहेगी। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है, और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा, और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है। और आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर अपने घर के अंदर बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी जरूर करें। हो सकता है मेरी ये वीडियो आपके सगे संबंधी के काम आ जाए, इसलिए मेरी वीडियो को अपने सर्कल में भी शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।